नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बिहार चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लेकर आए पांच महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप लोग अक्सर कमेंट करते थे कि इसका एग्जाम कब से शुरू होगा, इसका एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, कितने लोग इसका एग्जाम देंगे, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा और एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इसका एग्जाम की बात किया जाए, इसका एग्जाम कब से शुरू होगा, तो आप लोग 30 मार्च को एक बिहार शरीफ का आपका न्यूज है दोस्तों, बिहार शरीफ आपका बिहार बिहार शरीफ का न्यूज है, इसमें हिंदुस्तान के पेपर में दिया गया था दोस्तों। यहां पर आपका जिले में फॉरेस्ट गार्ड की बहाली के लिए लिखित परीक्षा 16 जून को होगी, ठीक है दोस्तों, 16 जून से आपका होगी लिखित परीक्षा। इसमें 13,500 परीक्षार्थी भाग लेंगे, या आपका बिहार शरीफ दोस्तों यहाँ पर आपका 13,500 परीक्षार्थी जो आपका इसमें भाग लेंगे। इनकी परीक्षा के लिए डीएम योगेंद्र सिंह ने डीओ मनोज कुमार केंद्रों से की सूची मांगी, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो आप 16 जून से आपका जो है इसका एग्जाम शुरू होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की बहाली के लिए लिखित परीक्षा 16 जून को होगी, ठीक है दोस्तों। डीएम ने डीओ को भेजा पत्र, ठीक है दोस्तों, आपका परीक्षा की तैयारी का दिया आदेश, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका 16 जून से होगी परीक्षा। और आपका बात किया जाए दोस्तों इसका एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, तो आपका जो है 16 जून से एक वीक पहले आपका दोस्तों एक सप्ताह पहले आपका जो है इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा दोस्तों। आपका 7-8 तारीख से आपका जो है एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 7 जून से, ठीक है दोस्तों, आपका एक वीक पहले, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये आपका अब बात किया जाए दोस्तों अब इसका बात किया जाए कि यहाँ पर आपका कितने लोग इसका एग्जाम देंगे, ठीक है दोस्तों। ये दो क्लिक कर दिए हैं आपका एडमिट कार्ड के बारे में और इसका एग्जाम डेट के बारे में, और कितने लोग इसका एग्जाम देंगे। एग्जाम आपका देंगे दोस्तों आपका 5 लाख लोग दोस्तों इसमें एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, 5 लाख। इसमें आपका 902 पोस्ट थे दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का आपका बहाली जो आपका निकला था दोस्तों 902 पोस्ट के लिए ही निकला था, ठीक है दोस्तों। और इसमें 5 लाख लोग, लगभग में 5 लाख लोग ने इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं दोस्तों आपका 902 पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका बात किया जाए इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा दोस्तों, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो आपको जो है आपका जिला में ही होगा दोस्तों आपका इसका एग्जाम सेंटर। आप जिस जिले से हैं उसी जिला में आपका जो है इसका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा दोस्तों, जैसे आपका बिहार पुलिस दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर आपका जो है बात किया जाए आप इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, बहुत सारे लोग का कमेंट आता था तो इसीलिए हमको यहाँ पर आपको बताना चाहे तो, और ये आपको तो आपका ऑफलाइन होगा दोस्तों, इसका एग्जाम होगा ऑफलाइन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका ऑफलाइन एग्जाम होगा। और इसका एग्जाम सेंटर आपका डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, और एग्जाम डेट जो आपका है दोस्तों आपको बता दिए हैं 16 जून से होगा, और एडमिट कार्ड इसके एक वीक पहले आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जानकारी देना था, ये महत्वपूर्ण जानकारी पांच आपके ये लेकर आए थे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, खुश रहे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।